गीत आया। ध्यान दें, अभी अभी इसी वक्त 100 नंबर डायल किया जाए, पुलिस को बुलाया जाए। आया आया अटरिया पे कोई चोर, तो आया अटरिया पे कोई चोर। कुछ ऐसे ही गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। चलिए तुम लोग यहीं रहो, बच जाओ तो और क्या, हम लोग जमानत के लिए रहेंगे। फोर्थ पन आया है, फोर्थ सुत पाया है, फोर्थ पन आया है। ये हनुमान जी महाराज बता रहे हैं, आपने कहा वाल्मीकि ब्राह्मण में आया है, हनुमान जी महाराज बता रहे हैं फोर्थ पन आया है। हनुमान जी महाराज काफी इंग्लिश पढ़े लिखे थे, और क्या थे? और क्या, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। वाह, खैर ठीक है। चोर मचाए शोर, माखन चोर। सम्मानीय हमारे दादानंद किशोर जी, माखन चोर, आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं, नमन है। फोर्थ पन आया है, फोर्थ सुत पाया है। जानकी भैया ठीक है, आप मैटर लाइए, लेकिन कवित्त की जो कविता शैली होती है उन पर ध्यान दीजिए। और क्या, जितिन भैया फोर्थ पन आया है कह सकते हैं, लेकिन फोर्थ सुत पाया नहीं, फोर्थ सुत पाए। ये है, पाया होता एक वचन। और क्या, समझिए, उन्होंने पाए यानी चार पाए हैं, फोर्थ पाए तो फोर्थ पन पाए, फोर्थ पन आया फोर्थ सुत पाए। वाह, समझते रहिए। फिर आपने फोर भाइयों को कोई फोर नहीं पाया, शादी के बाद बहुएं आई फोर,
प्रभु के पावन में पावन चिन्ह है 24 24 फिर 48 मतलब जोड़ तोड़ के 4 करना था। ठीक है सुनिएगा सुनिए। फिर आप कथानक लेके चले गए 54 54 54 को ऐड किया गया तो हुए 108 108 यानी 108। क्या बात है 108 आठ और एक नौ। अब सुनिए जवाब सुनिए जवाब सुनिए बस सुरेश भैया 8 और 1 9 और मैं चाहती तो 5 ला सकती थी। हनुमान जी 5 वृदंश है 5 सिंगार लिए हैं यानी 5 उनके जो आभूषण लेकर के जन्मे थे। जब उन्होंने लंका को जलाया तो 5 तत्वों ने सहयोग किया चित जल पावक गगन समीरा धरती धरती हरवाई हो गई जल में पूछ बुझाई बाड़े जब हनुमान जी बाड़े तो आकाश में गर्जना हुई 5 तत्वों ने सहयोग किया माता सीता ने 5 वरदान दिए। हनुमान जी महाराज पे ही 5 ला सकते थे लेकिन हमने कहा आपके 54 यानी 5 और 4 9 राम जी से ही 9 लाया जाए। और क्या बेटे धन्यवाद है सुनिएगा सुनिए। अरे ए भी नाइन को वो भी नाइन को अभिजीत हरि प्रीता क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। राम जी का जन्म नौमी को हुआ 5 4 9 वहीं से जोड़ रही हूँ नौमी को और ये लेख मिलता है नौमी को राम का जन्म हुआ है तो जानकी जी का भी जन्म नौमी को ही हुआ है। जैसे कि कृष्ण का जन्म अष्टमी को तो राधा का जन्म भी अष्टमी को था तो यहाँ भी यहाँ राम का जन्म नौमी को और जानकी का जन्म भी नौमी को। सुनेगा सुनिए ये भी नाइने को तो भी नाइने को तो जन्म लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी और नारायण प्रभु जय हो धन्यवाद है नमन कर रही हूँ। पुस्तकों में अलग अलग मिलता है आपने वाल्मीकि रामायण से गाया है अनेक
एक रामायण है, रामायण सत्य कोट अपारा, सुनेगा सुनिए। नारायण को बन जो मिला है तो नारायण कमल जो खिला है, क्यों क्योंकि नारायण दुर्गा था, नौ दुर्गा और हम नहीं कह रहे। अभी तो ये नवरात्रि चल रही है, ये समय रावण को मारना था, भगवान ने नवरात्रि नौ दुर्गों का पूजन किया, माता शक्ति का पूजन इसको किया। सुनेगा सुनिए। नारायण दुर्गा का करते हैं पूजन, नारायण दिन पारायण, पारायण नौ दिन, सुनेगा बहुत मिलता है। रतन विनायन, वैसे तो 14 रत्न निकले हैं लेकिन विशेष 9 रत्न, सुनिएगा। रतन विनायन है, ग्रह भी है नायन, सुनिए। रतन विनायन है, ग्रह भी है नायन, नवग्रह, नौ ग्रह होते हैं लेकिन मैं कहती हूँ नवग्रहों के ऊपर जब नवग्रह तुम पर कब्जा करने लगे, नवग्रहों के ऊपर एक ग्रह और होता है, अभी तक तो नौ ग्रह जानते थे, नवग्रह के ऊपर एक ग्रह और होता है, सबसे बड़ा ग्रह जिसे कहते हैं प्रभु का अनुग्रह। बहुत अच्छे। लेकिन ये तभी तक होगा जब जब आपके अंदर एक एक ग्रह होगा, और वो एक ग्रह कौन सा है सुरेश भैया? वो होता है आग्रह। वाह, अगर आप प्रभु से आग्रह करेंगे तो उनका अनुग्रह मिल जाएगा। सुनेगा। राजा हुए थे तिथि नायन, और और सुरेश भाई आपके गीत में कटपीस में सुनाने का प्रयास करूंगी। एक गीत मेरी तरफ से सुनिए, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। अटरिया पे चोर 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 चोर, अब चोर आ गया है तो अटरिया पे होना क्या चाहिए? सुनिएगा। लो बख्शा गायब। हाँ, ये
गाना आप लोगों के माफक का है, सुनिएगा। और एक हमारे भैया आदेश कर रहे हैं तो मैं उनका भी कट पीस में सुनाऊंगी। गीत मेरी तरफ से सुनिए, सुनिए। क्योंकि केवड़िया सलक के पिया किनारे पे हम लोग 20 तारीख को होते तो कुछ मुश्किलें बढ़ सकती थी। लोग कहते चलो तुम का किनारे पे देखे। जानकी भैया सुनेगा, सुनिए। भगवान राम और चारों भाई जिस समय मैया सरयू के तट पर पहुंचे, माता सरयू राम जी को देखा और प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु प्रभु ये सरयू आई कहां से है, कहां से? जिस तरह गंगा को लाने वाले भागीरथ जी हैं, उसी तरह उसी वंश में सरयू को लाने वाले भी हैं। और सरयू को लाने वाले कोई और नहीं ना, स्वयं मनु महाराज थे। गंगा चरण से निकली है तो सरयू कहां से निकली, कहां से बैठे? जिस समय भगवान ने देखा कि एक शंकासुर नामक दैत्य सारे वेदों को चुरा करके ले गया, भगवान गए उससे युद्ध किया, मत्स्य रूप धारण किया, फिर जब अपने पुनः रूप में आए भगवान तो भगवान प्रसन्न हो गए, वेदों को वापस लाए हैं, खुशी के मारे उनके अश्रु बिंदु निकल पड़े। वही अश्रु बिंदु ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिए। और जब मनु महाराज ने तपस्या की, मनु महाराज यज्ञ के लिए गए, पावन जल लाना है क्योंकि अवध में कोई नदी नहीं है, जल लाना है। मनु महाराज ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने वही जल मानसरोवर में आया और वहीं से वही अश्रु जल को लेकर के आए। और ऐसे वैसे नहीं लाए, इनका नाम भागीरथी पड़ा था कब, जब वो रथ के
पीछे पीछे आई तो भागीरथी और भागीरथ के पीछे आई इसलिए भागीरथी। इसी तरह सरयू को नाम सरयू इसलिए पड़ा, मनु महाराज अपने तीर के पीछे पीछे लेके आए, तीर आगे आगे पीछे पीछे नदी, तो तीर यानी सर और सर के पीछे आने से उनका नाम सरयू पड़ा। सुनेगा तो वो माता सरयू कह रही है प्रभु, अरे वही तेरी अखियों से प्रेम सुत्रा झपताल दस मात्रा बजा के गए हो, खुश रहो बेटा। सुनेगा वही तेरी अखियों से प्रेम अश्रुधारा अयोध्या में लाए मनु वही अश्रुधारा धारा वही तो सरयू धारा हमोरी तराई पे आए हो आए हो आए हो कि भैया हमोरी तराई पे आए हो कि भैया तो सरयू मैया चरण छू जो सरयू मैया चरण छू जाए। जय हो। दूसरी जगह देखिए कथानक सभी को मालूम है, सुन रहे हैं आप लोग, राम जी के चरण धोने लगा के बट तो गंगा मैया क्या सोच रही हैं? क्या बेटा किन्हीं चरणों में पिया मेरा घर द्वार था, जब केवट इन चरणों को धो रहा है मेरे जल से वो क्या है सुनिएगा। सुनिए अब आखिरी टुकड़ा सुनिए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया जेल खाने में, भगवान कृष्ण का जन्म जेल खाने में हो गया, बाबा नंद बाबा जैसे सर पे रखा भगवान कन्हैया तो हाथों की हथकड़ी टूट गई पांव की बेड़ी छूट गई। धन्यवाद। लाइन को सुनिए, जिस समय देवकी वसुदेव भगवान कन्हैया को देखा कहने लगी अब नन्हा सा बालक है, एक एक करके इसने हमारे 6 पुत्र मार दिए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम तो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, कर भी क्या सकते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, पहरे पर पहरेदार है, हम कर भी क्या सकते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तो बोले करे तो करे क्या, बोले तुम केवल हमको अपने सिर पे धारण कर लो, तुम केवल मुझे अपने सिर पे धारण कर लो। और जैसे ही नंद बाबा जैसे ही वसुदेव जी ने अपने शीश पे धारण किया
भगवान कन्हैया को धारण करते ही उनकी पांव की बेड़ियां खुल जाती, हाथों की हथकड़ियां छूट जाती है। सूरज भैया इससे संदेश ये मिलता है, भगवान कहते हैं ए जीव तू केवल मुझे अपने सिर पे धारण करके तो दे, तेरे सारे बंधन ना खुल जाए तो कहीं ना तो कहना। और जैसे ही वसुदेव जी लेकर के जाने लगे, पहरेदार सो गए हैं, इसका क्या अर्थ है? बोले जहाँ भगवान का जन्म होता है, अब अगर आप अपने हृदय में भी भगवान को जन्मा के दिखाइए, आपके विकार खत्म ना हो जाए तो कहना। क्या बात है, बिल्कुल बेटा, क्योंकि जहाँ भगवान का प्राकट हो जाता है वहाँ विकार सो ही जाते हैं। अब भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले तो यमुना मैया उमड़ गई, यमुना मैया उफान पर आ गई। और जैसे ही यमुना जी उफान पर आई, बाबा सोचने लगे एक तो पहले से आफत थी, दूसरी आफत आ गई। सुनेगा सुने, लेकिन यमुना मैया कह रही है कन्हैया कन्हैया तो भूल रहे हो, गोलोक धाम की याद करिए जरा। मधुबन में जाके तुमने किया बन बिहार था, भगवान कन्हैया ने उसी सूफे से अपना पैर लटका दिया। ओहो, हल्के से जैसे ही पैर लटकाया तो यमुना मैया कह रही हैं, क्या कह रही बेटे? हमारी तराई पे, हमारी तराई पे आए हो, आए हो, आए ये छोटा सा प्रयास रहा। मनु भैया एक आध कट पीस ना डालना, थोड़ा समय का ध्यान देते हुए।
आइए एक कटपी सुना रही हूँ और थोड़ा आप इसे ध्यान देंगे आप लोग, चूंकि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सारा कार्यक्रम सुनेंगे, ये प्रयागराज का कार्यक्रम पूरे विश्व में सुना जाएगा केएस म्यूजिक के माध्यम से। धन्यवाद है भैया मनु भैया, फैजाबाद से आप आए हैं। आइए एक कटपी सुना रही हूँ और ये हमारे बुंदेलखंड के कलम है, सुनना। कौन सा बटे कौन सा नमन कर रही हूँ भैया हमारे जगन लाल करेला बाग से आपने। अच्छा एक सवाल भी किया है, किस पद मुद्राएं हैं उसे मैं सुना दूंगी और एक कटपी इसमें जरूर सुनाऊंगी जो हमारे दादा श्याम तूफानी जी गाया करते थे। एक टुकड़ा मेरी ओर से सुनिएगा, कौन सा बटे कौन सा, और उसके बाद प्रयास रहेगा। अवधेश विश्वकर्मा जी अवधेश के नाम से फेसबुक में गाना है और त्रेता की है मजबूरी घोटाले बहुत जरूरी बिन किए चैन नहीं आए, गाय भैंस का चारा खाकर लालू जेल में पाए गए। आप लोग जरूर सुनेंगे इन लाइन को। अवधेश विश्वकर्मा अवधेश विश्वकर्मा के जो नाम से फेसबुक है उस पर अपलोड है। भैया के कर कमलों से 51 पद मुद्रा है। धन्यवाद है। अरे भैया हाँ हाँ मैं सोच रही हूँ उधर अपनी बात अलग हो जाएगी। कुछ आपने सवाल किया था मुझे वो समझ में नहीं आया है आपकी राइटिंग, अभी मैं पूछ लूंगी अगले चक्र में आपको बता दूंगी ना क्या सवाल है आपका। अभी कहाँ चले जाओगे? अभी हम जाएंगे नहीं, आप पहले चलो जाओ। अभी नहीं जाएंगे आप, अभी ना जाओ छोड़ के कि जी अभी भरा नहीं। सुरेश भैया जो आपने कहा वो अभी गीत मिला नहीं लेकिन पुरानी तर्ज सुनाई दे रहे हैं। सुनेगा क्योंकि हाथों में चाबुक और होठों पे गालियां सुनिए। मेरी घरवाली जब मान जाती है तो पूरी चाउमीन हो जाती है। कोई हसीना जब लूट जाती है तो और नमकीन हो जाती है। मशीन हो जाती है। आइए कटपी सुने भैया जी, जैसे गन्ना होता है गन्ने से रस निकलता है फिर उससे शक्कर बनती है गन्ने की ही शराब बनती है राब बनती है लेकिन मिठाई ढाई बनती है। बड़े भैया हम क्या लगा रहे हैं जरा ये सुनना। और क्या गन्ने से हम शराब राब नहीं बनाना है ना बेटे ना, शराब चीज है खराब।
लेकिन जो हम लोग उपयोग करते हैं और करना भी चाहिए और उसके लिए आपको दिखाना चाह रहे हूँ, सुने का सुने, जिसको कहते हैं दूध, यानी खीर। खीर सुरेश भैया मिठाई बनती ना भैया? हाँ सब नजर है। बहुत बढ़िया भैया के यहाँ मिठाई हम खाए हैं, दुकान पर गए हैं और बड़ा कार्यक्रम आपके यहाँ सुंदर हुआ था दादा ज्ञानी जी से, सुनेगा। अरे खीर निकल दी कर दी भलाई, भाई मुकेश के लिए जो नाल पर संगत कर रहे हैं, मुकेश भैया के लिए क्या 101 पट मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, सुनेगा। बहुत अच्छे कवि हमारे बुंदेलखंड के हैं और हमारे बाकी भाई जी बहुत अच्छे गायक हैं, वो भी गाए, सुनेगा छोटा सा टुकड़ा है आदरणीय भैया जी।
वही स्वरूप बन जाता है ईश्वर अंश जीव विनाशी। लेकिन क्षीर से नीर जब हर